दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे, तीन बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो, उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से, 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है, 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया, ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री का आवास अरविंद केजरीवाल जी ने खाली कर दिया, ये उसका प्रमाण है, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था तो उन्होंने ये दो पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया, कैंप कार्यालय भी वहां नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपा। तो कुल मिला के ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। केजरीवाल साहब ने, पहले भी मैंने बताया था, मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया और ये उसका लिखित प्रमाण है, सरकारी प्रमाण है, इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मकान खाली कर दिया। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस से बड़ी बात बोली कि उनका अलॉट नहीं किया जा रहा है, तो क्या आधिकारिक तौर पर उनका अलॉट नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो अभी वो जो नहीं किया गया उसमें भाजपा वाले कब्जा करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का आवास चुनाव जीत नहीं पाते, कम से कम मुख्यमंत्री का आवास ही कब्जा कर लें, ये भाजपा की कोशिश। सर, वो तो शिफ्ट हो चुकी थी, तस्वीरें आई थी वहां पे, तस्वीरें आई थी, मीटिंग लिया था कैंप कार्यालय में, बावजूद इसके उनको अलॉट नहीं किया जा रहा है और वहां से कैंप कार्यालय भी खत्म कर दिया गया है। और अभी कहां है आतिशी फिर, अगर उनको अलॉट नहीं किया गया तो?
आधिकारिक तौर पर। अभी भाजपाइयों से पूछिए, वो बताएंगे आपको। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, आपने जो बोला कि उनका आरोप है कि सीएम हाउस खाली करने की प्रक्रिया होती है, चाबी हैंडओवर किया जाता है, फिर उसको वहां पे निरीक्षण होता है। ये क्या है भैया, पढ़ लीजिए आप इसको। मैं पढ़ देता हूँ। This is to certify that Sri Arvind Kejriwal, ex-chief minister, has vacated the government accommodation on dated 4/10/2024 after resigning from the post of chief minister of Delhi and has no dues pending against him with regard to payment of electricity, water, gas, telephone bills till date. ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। किसने जारी किया? ये चिट्ठी ले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जीएडी डिपार्टमेंट का है। सर आतिशी जी, ये देख लीजिए आप। कितनी बार पत्र लिख के उस घर को अलॉट करने के लिए कहा है आतिशी जी ने अभी तक, और जवाब क्या आया है? ये डेट दोनों मैंने बता दी आपको, 8 तारीख को और 8 तारीख का है, 8 अक्टूबर। एक पत्र लिखा है, दो बार लिखा है? नहीं, एक पत्र लिखा है। सर कितनी बार पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने उस 6 फ्लैग स्टाफ को अलॉटमेंट के लिए, नंबर एक। नंबर दो, जो तस्वीरें आई थी कि उसकी और डिटेल आपको मिल जाएगी। मैंने आपको ये पत्र जो दिखाया है, इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि कैंप कार्यालय की तो तस्वीर आपने देखी थी, मीटिंग लिया था वहां पे, तो उसको भी खाली करा दिया गया, मकान भी अलॉट नहीं किया जा रहा है, तो जबरन कब्जा करने की कोशिश है उस मकान पे, जो लोग चुनाव नहीं जीत पाते 27 साल से। उनका सामान जाने की तस्वीरें आई थी, तो क्या सामान अभी वहां है उनका या उसको भी हटवा दिया? हाँ, उनका सामान है, और सामान जाने की जो तस्वीर आई थी तो उनका सामान है वहां पे, तो अब देखिए उस सामान के साथ क्या करते हैं लोग। सर कल हरियाणा उस सामान की चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गायब करते हैं, भाजपा ही कुछ कर सकते हैं। हरियाणा के नतीजे आए हैं, जो फाइनल टैली है उसके हिसाब से करीबन 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर आपकी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। नतीजे ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा होता तो शायद कांग्रेस को फायदा होता। देखिए, पहली बात तो मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे वो थर्मामीटर आज तक नहीं मिला जिससे ये तय हो कि हम इस पार्टी का वोट लेते हैं या उस पार्टी का वोट लेते हैं। मैं सीधा उदाहरण दिल्ली का दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर 2013 में हमको 28 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट मिली, और एक दो निर्दलीय जीते थे। उसके बाद 2015 के चुनाव में हमको 67 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली, यानी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट आम आदमी पार्टी को 2013 में भी मिला, 2015 में भी मिला। फिर 2020 में हमको 62 सीट मिली, बीजेपी को 8 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली। 2020 में हमको कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट मिला, तो हमको दोनों पार्टियों का वोट मिलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, हमको जाति धर्म की राजनीति तो करते नहीं, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, इसकी बात करते हैं, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो सबकी उम्मीदें होती हैं कि ये राजनीतिक दल हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, और इसी के कारण हरियाणा में, जैसा आपने कहा, कई जगहों पे हमको अच्छा वोट मिला। जगाधरी की सीट पे 43,000 वोट मिला है, कई जगहों पे हमें 20,000 से ज्यादा वोट मिला है, लगभग 2% के वो आसपास वोट मिला है, लेकिन वोट कई जगहों पे हमें अच्छा मिला है हरियाणा में। कहा जा रहा कि अगर अब जो आम आदमी पार्टी के लिए सुखद और अच्छी खबर है,
वह है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक, जो बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, वो वहां पर चुनाव जीते। और पुणे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिल्ली मॉडल की चर्चा की, शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा की, केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा की। तो अरविंद केजरीवाल का कारवां देश के 5 राज्यों की विधानसभाओं में पहुंच चुका है, हमारी सीधी एंट्री हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, यह हमारे लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। सर, सवाल ये है कि सर कांग्रेस पर हमला बोल रही है इस वक्त, कि जहां भी कांग्रेस जीत रही होती है वो छोटे पार्टनर्स को अकोमोडेट नहीं करती है, और जहां हार रही होती है वहां रीजनल पार्टनर्स को चाहती है कि वो कांग्रेस के लिए जगह बनाए। देखिए, हरियाणा को लेकर हमारी भूमिका यह है कि जो भी मत प्रतिशत लोगों ने दिया है, जो भी हमारे पक्ष में जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हुए आगे अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को, उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी, हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे, तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए, और पूरे चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए। और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसकी चर्चा की, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, अकेले गए चुनाव में। वो आपके लिए कह रहे हैं कि आपने गठबंधन नहीं किया, उन्होंने तो कुछ दस साल पहले हमने ऑफर दिया था, आपने माना नहीं, और आपकी स्थिति खुद बहुत अच्छी नहीं है, कई जगह जमानत जब्ती हुई है। तो अब आप दोनों बात एक ही साथ कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि वो चाहते भी थे और कुछ मानते भी नहीं थे। तो जो आदमी कुछ मानता भी नहीं है आम आदमी पार्टी को, वो चाहता कैसे था कि गठबंधन हो जाए। आप कहिए तो मैं सुना देता हूं आपको, आपकी इच्छा है तो मैं सुना दे रहा हूं। तो कोई फैक्टर ही नहीं मानते थे, कह रहे हैं बोर हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का नाम ही ले गए। फिर अब आप कह रहे हैं चुनाव हारने के बाद वो कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे थे, ये तो चुनाव के पहले का वीडियो है। सर, लेकिन अब आगे वाले चुनाव की स्थिति भी साफ कर दीजिए, क्योंकि यूपी में, महाराष्ट्र में, झारखंड, खासतौर पर दिल्ली में, क्या आम आदमी पार्टी ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं रहेगा, अकेले चुनाव लड़ना है? आज जिस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पे अपनी बात मैंने कह दी।
दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममूल पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।